नमस्कार, आप देख रहे हैं द पंचायत और मैं बीबू कुमार झा। बिहार समेत पूरे देश में डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन को लेकर लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हुए। उसके बाद ऐसा लगा कि बिहार के पूरे स्वास्थ्य और राजनीतिक महकमे में एक भूचाल सा आ गया। हो भी क्यों ना, तीसरी लहर में बिहार में 16 दिनों में सक्रिय मरीज की संख्या 20,000 के पार हो चुका है। ऐसे में आपको कोरोना के पिछले रिकॉर्ड की तरफ ले चलूं तो पहली लहर में तकरीबन 5 महीने में 20,489 मरीज मिले, दूसरी लहर में लगभग 2.5 महीने में 21,084 मरीज मिले थे, लेकिन अब बात करें तीसरी लहर को लेकर तो मात्र 16 दिन में 20,938 लोग मिले हैं। इससे कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात यह है कि जो संक्रमण की रफ्तार है वो थमने को नाम ही नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि भारत के रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह पॉजिटिव हो गए हैं। अब मैं बिहार की राजधानी पटना की बात करूं तो कल एक दिन में 2,566 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। पूरे बिहार में 4,737 नए संक्रमित मिले, जिसमें कि 691 लोग स्वस्थ हो गए और 5 लोगों की मौत हो गई। संक्रमण दर की बात करें तो 3.13% हो गया। अब हम ओमिक्रॉन के वेरिएंट की बात करें तो यह डेल्टा से कम घातक है, लेकिन 7 गुना ज़्यादा संक्रामक है। अब इस बात की आशंका है कि बिहार की घनी आबादी को देखते हुए इसके प्रसार को रोकना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि अभी तक इसका घातक स्वरूप अभी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ओमिक्रॉन का जो संक्रमण है वो फेफड़े की बजाय ज्यादातर मामले में सांस नली से सीधे फेफड़े में जाता है। इसलिए हम सभी को एहतियात बरतने की बहुत जरूरी है। आप सभी मास्क लगाएं, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें और दूरियां बनाकर ही रहें, ताकि हम लोग स्वच्छ रहें, सतर्क रहें और कोरोना से विजय पाएं। क्योंकि कोरोना का जो लहर है कहीं ना कहीं हो सकता है भयानक हो, संक्रामक हो और आने वाले समय में बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो हमारे जो द पंचायत के ट्विटर हैंडल या फिर यूट्यूब प्लेटफॉर्म है या इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम पोर्टल प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो करें। तब तक के लिए शुक्रिया।